Very good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. So, dear students, in last video we can discuss about electromeric effect, right? I hope you can understand about all the concept of electromeric effect. Now, in today's video we can discuss about very important electronic displacement in covalent bond. That is nothing but resonance or mesomeric effect. कौन सा effect पढ़ने वाले आज हम लोग? Resonance effect or mesomeric effect. इसको हम लोग resonance effect भी बोलते हैं और इसको हम लोग mesomeric effect भी बोलते हैं. Now जो electromeric effect था और इसमें क्या similarity, क्या difference है? तो electromeric effect में हमने क्या देखे थे? Displacement किसका हुआ था तुम्हारा? Pi electron का हुआ था. But कब हुआ था? In presence of reagent हुआ था. बराबर है? बट यहां पे कुछ अलग चीज है. यहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है बट यहां पे इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन. बट यहां पे कंडीशन क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए. द मॉलिक्यूल मस्ट बी कॉन्जुगेटेड. और मॉलिक्यूल अगर कॉन्जुगेटेड होगा तो ही इसमें क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा. अदरवाइज इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा. राइट? सो वन थिंग यू जस्ट कीप इन माइंड, for the resonance conjugation is necessary and for the electromeric effect reagent is necessary. In both the case displacement of pi electron होता है. अब दोनों में और क्या difference है? देखो similarity क्या है? Pi electron का displacement होता है. Difference क्या बोल सकते हैं? Resonance effect is a permanent effect. ये जो resonance effect हम लोग देख रहे हैं, this resonance effect or mesomeric effect is a permanent effect. मतलब यहाँ पे reagent रहे या नहीं रहे, यहाँ पे ये effect होगा. मतलब यहाँ पे reagent की कोई भी अपने को जरूरत नहीं है. बट यहाँ पे जरूरत किसका है? हमको जरूरत किसका? यहाँ पे कॉन्जुगेशन का. तो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट. इसका डेफिनेशन एक बार हम लोग देख लेते. देखो, परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल पजेसिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम. तो इस वर्ड को तुमको देखना है, क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम. किसका कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. पहला, सेकंड और पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कॉन्जुगेटेड तुम्हारा किसका होना चाहिए? एक तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कंजुगेशन होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए उसमें? पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर का क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए. सो बिफोर दिस हमको एक चीज पढ़ना है, कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है. सो डियर स्टूडेंट, इसके तीन टाइप के डबल बॉन्ड होते हैं, राइट? कम्युनिटी डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एंड आइसोलेटेड डबल बॉन्ड. वो हम लोग अल्कीन में आएंगे तब पढ़ेंगे. फिलहाल यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट. सो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड अगर ये अल्टरनेट पोजिशन में प्रेजेंट रहता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सपोज CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH. तो इसको हम लोग कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं. क्यों कॉन्जुगेशन बोलेंगे? बिकॉज यहाँ पे तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है. तो जहां पे भी तुमको अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बोलते हैं. कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड बॉन्ड. यहाँ पे क्लियर हुआ? तो कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड बॉन्ड. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्जुगेटेड बॉन्ड. यहां तक क्लियर हुआ? राइट. सो ये चीज का तुमको ध्यान में रखना है. तो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए तो उसको हम लोग कॉन्जुगेटेड बोलेंगे. अदरवाइज अगर ऐसा सिचुएशन रहा CH2 डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ठीक है, तो इसको हम लोग कॉन्जुगेटेड नहीं बोलेंगे. बिकॉज यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. एंड दैट्स दिस टाइप ऑफ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज कम्युलेटिव डबल बॉन्ड. और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड. एक थर्ड टाइप का एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सी एच टू डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच टू, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच टू. इसको भी हम लोग कॉन्जुगेशन नहीं बोलेंगे. क्यों नहीं बोलेंगे? देखो, क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड बीच में आ गए. और कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड कैसे रहना चाहिए? अल्टरनेट फॉर्म में रहना चाहिए. बट यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है. एंड दैट्स व्हाई इसको हम लोग कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं बोल सकते. तो ये चीज ध्यान रखो, राइट. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड.
ठीक है, ये दोनों को कॉन्जुगेटेड नहीं बोलेंगे। तो कंडीशन क्या रेजोनेंस के लिए कि यहां पे क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए, दैट इज डबल बॉन्ड क्या रहना चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पे। अब कॉन्जुगेशन किसका, सिर्फ डबल बॉन्ड का जरूरी नहीं, कॉन्जुगेशन में भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर। कॉन्जुगेशन किसका हो सकता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। कॉन्जुगेशन किसका हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज का भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। कॉन्जुगेशन में भी टेक्स प्लेस बिटवीन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर। एनी हाउ कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, बट तुम्हारे लेवल पे हम लोग दो ही चीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कॉन्जुगेशन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एंड कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, सो दिस आर द कंडीशन। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या, यहां पे फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल पजेसिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेसोमेरिक इफेक्ट। राइट, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, 1,3-butadiene, उसका नाम क्या है, 1,3-butadiene। राइट, कौन सा, कितने कार्बन है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, फोर कार्बन है तो क्या रहेगा, ब्यूटेन। इसका हम लोग अच्छे से अगर नाम लिखते हैं तो क्या नाम आएगा, ब्यूट 1,3 या फिर ब्यूट, अगर हम लोग चार कार्बन तो क्या नाम बोल सकते, ब्यूटी। राइट, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन मेंशन करना है तो हम लोग क्या लिख सकते, ब्यूट 1,3-dienee। तो द करेक्ट नाम नेम इज ब्यूट 1,3-dienee, ब्यूटा, यहाँ पे क्या आएगा, ब्यूटा 1,3-dienee, बिकॉज यहाँ पे दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट। राइट, सो इस प्रकार से यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो हियर आल्सो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, कैसे कॉन्जुगेशन, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो हियर आल्सो कॉन्जुगेशन आर प्रेजेंट। राइट, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, रेजोनेंस। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। नाउ सपोज वी जस्ट टेक वन एग्जांपल, अभी जो एग्जांपल लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, तो ये तुम्हारा एक क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल जिसमें कॉन्जुगेशन है। अब इसका हमको रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकालना है, तो यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो क्या होगा, मैंने क्या बोला पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन एक सिग्मा एक पाई है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दिस शिफ्टिंग हमने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे वी गेट CH2, अभी क्या बच जाएगा सिंगल बॉन्ड, फिर क्या जाएगा CH, फिर क्या बचेगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, मतलब इस पे चार्ज क्या आएगा नेगेटिव, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया उस पे चार्ज क्या आया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। राइट, तो यहाँ पे क्या हो गया, पोलैरिटी तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ निकल, तो यहाँ पे समय निकलेगा इसको CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। राइट, तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये क्या हो गया इसका कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। अब यहां पे हम लोग उल्टा भी कर सकते थे, इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर सकते थे, ठीक है, और ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव आ जाता, तो यहाँ पे पॉजिटिव। तो बट ओवरऑल हम इसको क्या बोलेंगे, इसका कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है, देखो इसका पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, बट कब हो रहा है, जब ये सिस्टम क्या प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट, और उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है। नाउ सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH यहां लोन पेयर है। अब इसका अगर मुझे कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन को डबल हेडेड एरो से दिखाना। राइट, अब यहां पे कॉन्जुगेशन कैसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ठीक है, और एक चीज
सर इसमें याद रखने वाली क्या चीजें बताई गए कि जब भी हमको कॉन्जुगेशन करना है तो इलेक्ट्रॉन्स को कहां से कहां शिफ्ट करना, वो चीज का भी ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलवेज शिफ्ट फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको कभी भी लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ कभी भी मूव नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शिफ्ट फ्रॉम कहां से कहां शिफ्ट करना है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हमेशा याद रखो अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग लोन पेयर और डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लोन पेयर के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो तुमको क्या मिलेगा यहाँ पे सी एच, इस पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे सी एच, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड टू एच पॉजिटिव, ये हो गया इसका कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। थर्ड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू माइनस। अब इस केस में भी कॉन्जुगेशन हो सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है, यहां पे भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, यहां का इलेक्ट्रॉन बिकॉज मैंने पहले बोला इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट करना है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर, तो नेगेटिव चार्ज मतलब हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहां पे क्या मिलेगा मुझे सी एच टू माइनस सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये कॉन्जुगेशन हो गया। क्या हुआ यहां पे नेगेटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं यहां पे CH2 माइनस CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, यहां पे भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है ना। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, इस केस में देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में, बट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा मुझे इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, अभी पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, सो ये इलेक्ट्रॉन कहां से शिफ्ट होगा, यहां से शिफ्ट हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा यहां पे सी एच टू पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्जुगेशन की एग्जांपल है। इस पहले केस में हमने क्या देखा, कॉन्जुगेशन किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन टू डबल बॉन्ड, तो यहां पे भी रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट देखो पाई इलेक्ट्रॉन यहां का यहां जा रहा है, यहां का पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो रहा है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहां पे भी कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, हियर आल्सो कॉन्जुगेशन आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट फ्रॉम लोन पेयर टू डबल बॉन्ड, या फिर हम लोग डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां गया और इसको कंप्लीट करने के लिए लोन पेयर यहां शिफ्ट हुआ, हियर आल्सो कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, बट कब हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। मान लो अगर यहां पे कुछ नहीं होता, मान लो यहाँ पे अगर मैं सी एच थ्री दे देता तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता क्या, नहीं होता। अगर होता तो रिएजेंट के प्रेजेंस में तो उसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोल सकते थे, बट यहाँ पे रेजोनेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, रिएजेंट की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। इसमें और एक टाइप में तुमको एक्सप्लेन कर देना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, नाउ हियर आल्सो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेडिकल, यहां पे अगर मैं इसका कॉन्जुगेशन करता हूं, दिस रेडिकल फोर्स दिस मॉलिक्यूल टू अंडरगो होमोलाइटिक क्लीवेज, यहां पे पाई बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज, दिस पाई बॉन्ड कैन फॉर्म बॉन्ड एंड इट कैन फॉर्म CH2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हियर आल्सो पाई बॉन्ड कैन डिस्प्लेस फ्रॉम दिस प्लेस इनटू दिस प्लेस, मतलब यहां पे भी क्या हुआ तुम्हारा कॉन्जुगेशन है, किसके बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट फ्रॉम डबल बॉन्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अनदर एग्जांपल CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, हियर आल्सो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, किसके बीच में कॉन्जुगेशन दिख रहा है तुमको यहां पे, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज इसके बीच में कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन कहां से शिफ्ट होता है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो दिस इज ऑल आर कंडीशन फॉर रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर,
Sir, between double bond and free electron, negative single double bond, single bond, double bond, double bond, single bond, double pair, double bond, negative, double bond, positive. इसके बाहर resonance का कोई भी condition नहीं हो सकता. These are the condition in which the resonance effect can take place. और यहाँ पे conjugation है करके हर एक जगह देखो pi electron का displacement हो रहा है from one place into another place, right? तो just take a screenshot of it. को समझ में आ जाएगा हमने कहां कहां से किसको डिस्प्लेस किया हुआ है. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो. उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप ऑफ रेजोनेंस और टाइप ऑफ वी कैन से दैट मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है. तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. राइट, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ नेक्स्ट वी कैन स्टार्ट अबाउट द टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट और द टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट. So if you consider, there are two type of resonance effect or mesomeric effect. First one is called as positive resonance effect and second one is called as negative resonance effect. Right? Yeah, the two type of resonance effect hai. First one is a positive resonance effect, second one is a negative resonance effect. अब दोनों में difference क्या है? ना हमने देखा है दोनों के लिए condition क्या है? क्या होना चाहिए? Conjugated system होना चाहिए. पहला condition कि दोनों जगह क्या होना चाहिए? Conjugation होना चाहिए. But here, तो in one case the terminal group can donate electron density and one case terminal group can take electron density. तो उसके बेस पे इसको हमने classify किया गया है. एक चीज याद रखो, inductive effect में हमने ऐसा किया था, terminal group तो electron density sigma electron को withdraw कर रहा था या sigma electron को वो donate कर रहा था. तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही scene अपने को देखने को मिलेगा. तो उसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे उसको discuss करेंगे. तो first we can discuss about positive resonance effect और जिसको क्या बोलते हैं हम लोग प्लस आर इफेक्ट. फर्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट, दैट इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. सो एक एग्जांपल हम लोग पहले लेते हैं इसके लिए. सपोज हम लोग एक बेंजीन रिंग लेते हैं और इस बेंजीन रिंग में मैं ग्रुप लगा रहा हूं NH2, जहां पे हमने देखा नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, लोन पेयर प्रेजेंट रहता है. अब मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल में कहीं से भी कोई भी एंगल से उनको कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या? माय फर्स्ट क्वेश्चन. यस सर, ऑब्वियसली देयर इज अ कॉन्जुगेशन. कहां पे कॉन्जुगेशन है? देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन. और जब मैंने बोला था कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा? देखो प्रीवियस में जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया वहां पे देखो मैंने हर एक एरो दिखाया हो. बिटवीन टू डबल बॉन्ड कहीं से भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हो. बिटवीन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शिफ्ट फ्रॉम लोन पेयर टू डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टू डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शिफ्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शिफ्ट फ्रॉम डबल बॉन्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन. राइट, नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शिफ्ट फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये स्टूडेंट ये सब चीजों का छोटी छोटी बातों का तुमको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स को कब और कैसे शिफ्ट करना है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिससे एग्जांपल ऑफ एनिली जहां पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या प्रेजेंट है कॉन्जुगेशन में. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे शिफ्ट होगा? फ्रॉम लोन पेयर टू डबल बॉन्ड. सो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करते तो हमको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? अगर मैं पहली बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर रहा हूं तो दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड ऑन हियर. The pi bond will be shifted on this. And this type of shift is called as bond to atom shift. अब पहला shift के बाद हमको क्या मिलेगा? NH2. ये bond यहाँ shift आ गया double bond. Nitrogen electron donate कर दिया. क्या चाहता है? Positive. ये electron यहाँ पे shift हुआ. यहाँ पे क्या आएगा? Negative. ये दो double bond को हमको as it is करना है. This is the first resonating structure. उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? छोटा लिखता है वही चीज लिख रहा, बट स्पेस मैनेजमेंट जरूरी है. डबल बॉन्ड हियर डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव द फर्स्ट रेजोनेटिंग द फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दिस द सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. नाउ उसके बाद क्या हो रहा है? देखो अब फिर से कॉन्जुगेशन आ गया. देखो नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन. इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? नेगेटिव से यहां जाएगा. यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा. थर्ड स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हमको?
ये बॉन्ड या शिफ्ट हुआ या नेगेटिव, नेगेटिव या शिफ्ट हुआ या डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या जाएगा NH2 पॉजिटिव, तो थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर कॉन्जुगेशन है क्या, देखो नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, या नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आएगा NH2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर यहाँ पे देखो फिर से कॉन्जुगेशन है नेगेटिव, ठीक है नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, अब नेगेटिव सिंगल डबल, ये देखो नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दो, नेगेटिव यहाँ शिफ्ट कर दो, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से शिफ्ट कर दो, I don't know वहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा हो तो इसको हम लोग फिर से लिख लेंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वापस इसका दोनों पे इसको वापस कर दो। आई थिंक लास्ट स्ट्रक्चर तुमको नहीं दिख पा रहा है, ठीक है एंड ट्राई टू राइट इन अनदर वे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि तुम इजीली समझ में आ सके, सो डोंट वरी। तो ये यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे क्या जाएगा NH2 having its lone pair, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 4 एंड दिस द स्ट्रक्चर नंबर 5। सो दिस इज ऑल रिजोनेटिंग, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, हाउ मेनी, 1 2 3 4 5। नाउ यू जस्ट कंपेयर फर्स्ट एंड फिफ्थ वन, आर बोथ आर सेम आर डिफरेंट, ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम है, बट अगर तुम लोग देखोगे पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इन बेंजीन इट इज डिफरेंट। बेंजीन के डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो, यहाँ पे बेंजीन का प्रेजेंट है, देखो डबल बॉन्ड का प्रेजेंट है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का सिंगल, मतलब रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली गोल ग्रुप घूम रहे। अब अगर मैं पांचों स्ट्रक्चर को कंबाइन करके लिखता हूं, पांचों स्ट्रक्चर को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, NH2 पे लोन पेयर है, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है नेगेटिव, और ये पाई इलेक्ट्रॉन देखो, अभी देखो इस कार्बन पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है, सर कहाँ से आया, इस बॉन्ड में देखो पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में, मतलब देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ इसमें फर्स्ट और फिफ्थ में कंपेयर करो, यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, ठीक है यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, मतलब क्या हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इनका दिस पाई इलेक्ट्रॉन आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग और डिलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड। नाउ ये रेजोनेंस से क्या पता चल रहा है कि ये NH2 ग्रुप क्या कर रहा है, अभी देखो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऑब्वियसली डोनेट कर रहा है फर्स्टली, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो लोन पेयर है NH2 ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है डाउन द ग्रुप, राइट। अब नाइट्रोजन NH2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास है, उसके पास आ रहे कि उससे दूर जाए, क्या देखो यहां पे दिस लोन पेयर कैन डोनेटेड, लोन पेयर उससे दूर जा रहा है, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, नाइट्रोजन से दूर जा रहा है, मींस ऐसा कॉन्जुगेशन जिसमें टर्मिनल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन अगर दूर जा रहा है तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कौन रो करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इन पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम दिस टर्मिनल कार्बन, या टर्मिनल ग्रुप से क्या करा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जा रहा है, तब कौन सा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव। सिंपल याद रखना है, अगर टर्मिनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है रिंग को तो वो क्या शो करता है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, राइट। अब ड्यू टू दैट पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन से पोजिशन पे बढ़ रहा है, तो देखो NH2 ग्रुप जो भी फंक्शन ग्रुप, जिस कार्बन रिंग के जिस कार्बन पर अटैच, जिस कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, इप्सो कार्बन, हमेशा याद रखो, उसके बाजू वाला क्या रहता है, ऑर्थो, ये भी बाजू वाला, ये कौन सा है, ऑर्थो,
उसके बाद वाला क्या रहता है मेटा, और उसके बाद वाला क्या रहता है पैरा, और ये क्या रहेगा मेटा पोजिशन। ठीक है, तो अपोजिट अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग। तो ये पोजीशन कौन सा है 1, 2 पोजीशन, ये पोजीशन कौन सा है 1, 3, ये पोजीशन कौन सा है 1, 4 राइट, ये पोजीशन कौन सा है 1, 4 पोजीशन। तो 1, 4 को क्या बोलते हैं हम लोग यहां पे पैरा पोजीशन, कौन सा है 1, 4 राइट। उसके बाद ये क्या रहेगा 1, 5 and 1, 6। ऑलवेज रिमेंबर 1, 2 पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑर्थो, इसको ओ से डिनोट करते हैं। 1, 3 इज कॉल्ड एज मेटा, इसको एम से, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग पैरा, इसको पी से, इसको मेटा एम से, और इसको ऑर्थो ओ से डिनोट करते हैं। दिस आर द सम पोजीशन दैट इज प्रेजेंट इन अ बेंजीन रिंग। सो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं इन पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट NH2 ग्रुप कौन से पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, कहां पे नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है। तो यहां पे NH2 ग्रुप कौन से पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ऑर्थो पे पैरा पे एंड ऑर्थो पे। सो ये कौन सा डायरेक्टली ग्रुप है NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टली ग्रुप, ये हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। एंड NH2 इज एक्टिवेटिंग क्यों है, क्योंकि रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन किसी को मिलता है तो वो रिंग क्या हो जाता है एक्टिवेट हो जाता है। दैट्स व्हाई ये तीन पॉइंट याद रखो, NH2 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एंड NH2 इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओवरऑल हम लोग किसके अंडर में पढ़ रहे हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट टर्मिनल ग्रुप कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर कॉल्ड एज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ड्यू टू पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग इंक्रीजेस, क्या हो रहा है रिंग इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से पोजीशन पे बढ़ाता है, इट कैन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अभी एग्जांपल कौन कौन से ग्रुप क्या शो करेंगे पॉजिटिव आर इफेक्ट शो करेंगे, तो रिंग पे कौन से ग्रुप पॉजिटिव आर इफेक्ट शो करेंगे। सो उसके लिए भी कंडीशन है, कंडीशन इज दैट द डोनेटिंग ग्रुप मस्ट हैव इन 1 लोन पेयर। तो यहां पे क्या रहेगा टर्मिनल ग्रुप मस्ट हैव इन एटलीस्ट 1 लोन पेयर। अगर उसके पास एटलीस्ट एक तो भी लोन पेयर है तो ही वो क्या शो करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट शो कर सकता है। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते OH ऑक्सीजन के ऊपर देखो 2 लोन पेयर है, NH2 नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर है, OCS3 मिथॉक्सी ग्रुप इसके पास भी 2 लोन पेयर है। ठीक है, NHR सेकेंडरी हमारे इसके ऊपर लोन पेयर है। तो जो भी ग्रुप जिसके ऊपर तुमको लोन पेयर दिखेगा वो ग्रुप क्या शो करते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। एंड दिस इज ऑल रिगार्डिंग फर्स्ट हमने देखा था पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इसको प्लसर इफेक्ट बोलते हैं। टर्मिनल ग्रुप अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर टर्मिनल ग्रुप से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे जा रहा है, उससे अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, उसके पास आ रहा है क्या नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, यू जस्ट नोट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, देन हम लोग क्या पढ़ेंगे नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। सो नेक्स्ट वी कैन स्टार्ट विद द नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, हमने पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया हुआ है राइट। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। जैसे पॉजिटिव हमने देखा था क्या हो रहा था वहां पे टर्मिनल ग्रुप क्या कर रहा था रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अभी नेगेटिव में उल्टा है, टर्मिनल में जो भी ग्रुप रहेगा वो क्या करेगा रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉल करता है, और उस केस में जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके पास आएंगे उससे दूर जाएंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसके पास आएगा। तो ऐसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर पाए इलेक्ट्रॉन वो टर्मिनल ग्रुप के तरफ आ रहा है या टर्मिनल ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से छीन रहा है तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट।
अब इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेंगे। नाउ बेंजीन के पास क्या प्रेजेंट है, दिस कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट कैसे होता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। सो यहाँ पे रेजोनेंस देखने के लिए देखो हम लोग क्या लिए हैं, रिंग लिया। अब यहाँ कॉन्जुगेशन है क्या देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे कॉन्जुगेशन देखना है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और यहाँ क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। बट यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप कौन सा ग्रुप है, पोलर ग्रुप। तो अगर हम लोग इस पोलर ग्रुप को देखते हैं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑब्वियस टुवर्ड द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इतना तो आपको पता है। देन क्या हो रहा है देखो, ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किससे किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलवेज शिफ्ट, में पहले बोला हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव टू डबल बॉन्ड की डबल बॉन्ड टू पॉजिटिव। हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका है तुम्हारा, डबल बॉन्ड, सॉरी किसका है, डबल बॉन्ड का। तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, डबल बॉन्ड टू पॉजिटिव। तो कैसे इसको मूव करना है देखो, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पे मूव कर दो, उसको उधर मूव करने के बाद मुझे वो क्या मिला है यहाँ पे, रिंग। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या मिला, डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे क्या जाएगा, ओ माइनस, बट यहाँ पे क्या चार्ज जाएगा, प्लस। ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, कार्बन की वायरस से सेटिस्फाई होगी, बट कंडीशन इस तरीके से आ गया। अब इसके बाद क्या होगा देखो, फिर कॉन्जुगेशन कहाँ दिख रहा है तुमको, पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, पॉजिटिव सिंगल डबल डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलेगा अपने को, ये यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे क्या जाएगा, ओ। याद रखना, क्लियर हुआ। उसके बाद ये स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर सेकंड, ये स्ट्रक्चर थर्ड। पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड, फिर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड सी एच, यहां पे क्या आएगा, ओ माइनस। ठीक, फिर क्या होगा फाइनली, दिस द फोर्थ स्ट्रक्चर। फाइनल स्ट्रक्चर में क्या होगा इसका देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जैसे बॉन्ड शिफ्ट हुआ कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये डबल बॉन्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन। ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो गया, क्या मिला, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया, सी डबल बॉन्ड। Now, if you compare all this resonating structure, तुमको क्या दिख रहा है, फर्स्ट और फिफ्थ में क्या डिफरेंस है, दोनों में देखो पाई बॉन्ड की पोजीशन देखो, इनके अंदर और इसके पोजीशन देखो, पूरे पाई बॉन्ड घूम गए, राइट। यहाँ पे पहला बॉन्ड था, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आ गया, राइट। तो अगर हम लोग सारे स्ट्रक्चर को कंबाइन करके एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर निकालते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसे पिछले बार हमने देखा था घूम रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या आया, पॉजिटिव। पैरा पे क्या है, पॉजिटिव। पैरा पे क्या आया, ऑर्थो पे क्या, पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज में केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये पोजीशन हमने देखा है, ये पोजीशन कौन सा है, ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा, ये ऑर्थो। तो अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे कि मेटा पोजीशन। तो ऑब्वियसली अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कम है कंपैरेटिवली, दिस इसके पास तो भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन है। दैट्स हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इन माइनस आरपी कौन शो करता है, नेगेटिव रेजोनेंस में कौन शो करता है, पहला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, विड्रॉल करता है।
दूसरा चीज हमने क्या देखा है, ये इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, ग्रीन की इलेक्ट्रॉन किसके तरफ मूव करे, टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स टर्मिनल ग्रुप, इसके तरफ टर्मिनल ग्रुप, एंड ये जो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में जो ग्रुप रहता है ये कौन सा डायरेक्ट रहता है, मेटा डायरेक्टिंग फॉर ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव इसोमेरिक इफेक्ट। तो अगर टर्मिनल ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद के तरफ विड्रॉल कर रहा है तो वो क्या रहेगा, क्या शो करेगा, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये ग्रुप कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये सिंबल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। पॉजिटिव डेक्ट में क्या हो रहा था, टर्मिनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नेगेटिव डेक्ट में टर्मिनल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करता है। अभी कौन कौन से ग्रुप है, तो देखो CHO ग्रुप, कीटो ग्रुप, एसिड ग्रुप, CN ग्रुप, NO2 ग्रुप, SO3H- ग्रुप, एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहां पे भी ये ग्रुप दिखेंगे, ये ग्रुप क्या शो करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, विड्रॉल करता है, राइट। और वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, वो विड्रॉल करेगा, तो क्या शो करेगा, वो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो सब केस में कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए वहां पे, डबल बॉन्ड होने चाहिए, भी कौन से, कॉन्जुगेटेड, राइट। तो कॉन्जुगेशन सिस्टम में क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी हमने देख लिया है, क्या होता है उसको समझ लिया, उसके टाइप्स भी हमने देख लिया है, राइट। तो एक बार उसको रिकॉल करो, रेजोनेंस इफेक्ट मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। अगर टर्मिनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इट कैन शो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इन पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव अवे फ्रॉम द टर्मिनल ग्रुप। सेकंड वर्स नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स इट्स, राइट। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग ऑल अबाउट द रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और नोट डाउन, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। So this is all regarding the resonance effect or mesomeric effect. I hope you can understand all the concept very well. So if you like my video, please subscribe my channel, that is SR Academy of Chemistry. I'm waiting for your subscription, right? मैं ऐसे वीडियो तुम्हारे लिए लाते रहूँगा, तो please stay with us, right? So thank you and have a nice day. फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का आखिरी टॉपिक, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नेथन इफेक्ट, डोंट मिस इट, राइट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाने वाले, ये वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद नेक्स्ट डे तुमको वो वीडियो भी मिल जाएगा, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद SR एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन ताकि तुमको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि मैं कब कब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।